कारण लंबे समय तक पर्यटन स्थल बंद थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का कहर कम हो रहा है, सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिसके बाद फिर से लोग पर्यटन स्थलों पर जा रहे हैं, जिससे पर्यटन व्यवस्था में फिर से तेजी से चल रहा है। ऐसी जानकारी पर्यटन संचालनालय के उप निदेशक प्रशांत सवाई द्वारा दी गई है। कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था और कई व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाए गए। इनमें से कई ऐसे व्यवसाय हैं जिन पर अभी तक प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का कहर कम हुआ है, वैसे वैसे प्रतिबंध हटाए गए हैं। ऐसा ही पर्यटन व्यवसाय एक है, जिसमें लॉकडाउन के चलते काफी मंदी देखने मिली है, लेकिन अब फिर से पर्यटन व्यवसाय फल फूलने लगा है। नौबत तो यह है कि पर्यटकों से होटल रिसोर्ट फुल होने से पर्यटकों को बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऐसी जानकारी पर्यटन संचालनालय के उपनिदेशक प्रशांत सबई द्वारा दी गई। कोरोना काळामध्ये पर्यटन व्यवसायावर निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर नुकसान या क्षेत्रामध्ये झालेला आहे, परंतु आता जशी परिस्थिती नॉर्मल होते आहे त्यामुळे लोक आता घराबाहेर पडत आहेत आणि आता आपल्याला पर्यटनस्थळीसुद्धा बऱ्यापैकी लोक जात आहेत, नियमांचं पालन करून जात आहेत आणि हॉटेलमध्येसुद्धा आता आपल्याला बुकिंग्स मिळत नाही अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला लागली आहे, त्यामुळे आता पर्यटन व्यवसाय रुळावर आला आहे असं म्हणता येईल। कोरोना के बाद पर्यटन व्यवसाय दोबारा तेजी से फल फूलने से इस व्यवसाय में मंदी का असर झेल रहे व्यवसायियों को भी राहत मिली है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।